दोस्त स्वागत है आपका स्टडी यूट्यूब का चैनल में। शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर। 16 जून 2019 महत्वपूर्ण समय की करंट अफेयर प्रश्नोत्तरी हिंदी भाषा में। प्रश्न नंबर एक, निम्न में से किस देश ने भारतीय लेखिका प्रतिष्ठान सिंह को नाइटहुड अवार्ड से सम्मानित किया? चीन, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, इटली। इसका सही उत्तर दोस्तों इटली। ये इटली ने हाल में ही भारतीय लेखिका प्रतिष्ठान सिंह को नाइटहुड अवार्ड से सम्मानित किया है। यह सम्मान भारतीय किताबी संबंधों को बढ़ावा देने के लिए संस्कृति और राजनीतिक अध्ययन के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए प्रदान किया गया है। क्वेश्चन नंबर दो, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस देश के आयोजन SCO समिट सम्मेलन में शामिल होने की यात्रा पर गए? भूटान, चीन, इराक, किंग्रिस्तान। उत्तर है किंग्रिस्तान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किंग्रिस्तान की राजधानी बिश्केक में आयोजित SCO समिट सम्मेलन में शामिल होने के किंग्रिस्तान की यात्रा पर गए हैं। यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चीन के राष्ट्रपति सी जिनपिंग और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ द्विपक्षीय मुलाकात भी करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर तीन, भारत हाल ही में किसने रक्षा अंतरिक्ष अनुसंधान एजेंसी DSRO के नाम से जाने जाने वाली एक नई एजेंसी का गठन को मंजूरी दे दी है? नीति आयोग, सुरक्षा मामलों की कैबिनेट कमेटी, दिल्ली सरकार, गुजरात सरकार। उत्तर है दोस्तों सुरक्षा मामलों को पर कैबिनेट कमेटी। हाल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की अध्यक्षता में सुरक्षा मामलों पर बिना कमेटी कैबिनेट कमेटी की रक्षा अंतरिक्ष अनुसंधान एजेंसी DSRO के नाम से जाने जाने वाली एक नई एजेंसी के गठन को मंजूरी दे दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर चार, जम्मू कश्मीर की आतंकी हमले में शहीद हुए CRPF जवान के परिजनों को किस राज्य सरकार ने 25-25 लाख रुपए की सहायता देने की घोषणा की है? उत्तर है दोस्तों उत्तर प्रदेश सरकार, केरल सरकार, पंजाब सरकार, बिहार सरकार। उत्तर है दोस्तों उत्तर प्रदेश सरकार ने अतंगान जम्मू कश्मीर में आतंकी हमले में शहीद हुए CRPF के जवानों को परिजनों को उत्तर प्रदेश सरकार ने 25-25 लाख रुपए देने की घोषणा और परिवार को एक एक सदस्य को सरकारी नौकरी देने की घोषणा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों प्रश्न नंबर पाँच, प्रशासकों की समिति COA ने टीम इंडिया के मुख्य कोच, खालिस्तान और सहायक स्टाफ के कार्यकाल को 45 दिन का बढ़ावा दिया है। ग्रैंग चैपल, चोटी रोड, रवि शास्त्री, राहुल द्रविड़। उत्तर है दोस्तों रवि शास्त्री। सुप्रीम कोर्ट ने द्वारा नियुक्त प्रशासकों की समिति को CEO ने टीम इंडिया के प्रमुख कोच रवि शास्त्री को सहायक स्टाफ के बल्लेबाजी के कोच संजय बंगर, गेंदबाजी कोच भरत अरुण और फील्डिंग कोच आर श्रीधर का कार्यकाल 45 दिन बढ़ा दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर छः, किस राज्य की सरकार ने माँ बाप के साथ दुर्व्यवहार करने पर बच्चों पर अब जेल की सजा का प्रावधान रखा है? दिल्ली सरकार, मुंबई सरकार, बिहार सरकार, केरल सरकार। उत्तर दोस्तों बिहार सरकार। जी हाँ, बिहार सरकार ने हाल में ही माँ बाप के साथ दुर्व्यवहार करने वाले बच्चों को अब जेल की सजा का प्रावधान रखा है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक में इस प्रावधान को मंजूरी मिल गई है। क्वेश्चन नंबर सात, साइबर सिक्योरिटी के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए किसने स्कूलों में साइबर सेफ्टी पढ़ाना अनिवार्य कर दिया है? केंद्र सरकार, CBSE बोर्ड, सुप्रीम कोर्ट, दिल्ली सरकार। CBSE बोर्ड। जी हाँ, CBSE बोर्ड ने सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन CBSE ने हाल में ही साइबर सिक्योरिटी के बारे में जागरूक फैलाने के लिए संबद्धता प्राप्त स्कूलों में पढ़ने वाले छात्र छात्राओं को साइबर सेफ्टी पढ़ाना अनिवार्य कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आठ, दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए जुड़े हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि आने वाले रोज़ के करंट अफेयर आपको यहाँ पर मिलते रहेंगे। डेली करंट अफेयर आपको यहाँ से प्राप्त होते रहेंगे। क्वेश्चन नंबर आठ है, नीति आयोग की संचालन परिषद की कौन सी बैठक राष्ट्रपति भवन में आयोजित की गई? क्या दूसरी, तीसरी, चौथी, पाँचवीं? उत्तर है दोस्तों पाँचवीं बैठक। जी हाँ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में नीति आयोग की संचालित परिषद की पाँचवीं बैठक राष्ट्रपति भवन में आयोजित की गई है। इस बैठक में वर्षा जल संरक्षण, सूखे की स्थिति और राहत उपायों को कृषि क्षेत्र में व्यापक बदलाव पर चर्चा की गई है।
धन्यवाद दोस्तों, आज के लिए इतना ही।